हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि RJ45 कनेक्टर को कैसे ये Cat6 केबल में लगाया जाता है। आप देख रहे हैं, ये हम लोग जो लिए हैं ये Cat6 केबल है। इसका कहा गया, हाँ ये इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर डीलिंक का है, ये डीलिंक, और ये आपका कैटेगरी 6 केबल। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग RJ45 कनेक्टर को लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये है हम लोगों का RJ45 कनेक्टर। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका 8 पिन है। ओके, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। ये है इसका वायर कटर, जो कि आपको ये पंचर और ये एक साथ में आता है एक बक्सा में, और ये ऐसा ही वाला आपको एक टूल लेना है कटिंग के लिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी ऐसे थोड़ा सा लेंगे, इतना तक, इससे ज़्यादा नहीं, दरकार नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे इसको फंसाएंगे, फंसा के इसको एक राउंड घुमा देंगे, बस इसको ओपन करके निकाल लेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि ये निकल गया हम लोगों का, और ये जो वायर है, सॉरी, ये हो गया आपका एक सूता, जो कि केबल को छीलने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोगों को छीलने का दरकार नहीं है, इसको काट के अलग कर दिए। तो अभी देखिए, हम लोगों का 4 पेयर केबल निकला है यहाँ से। तो इसमें एक है आपका ऑरेंज, ऑरेंज वाइट, ग्रीन, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, एंड ग्रे, ग्रे वाइट। तो ये हो गया हम लोगों का 4 पेयर, मतलब 8 ठो केबल। ओके, तो अभी इसको क्या करना है कि इसको अलग करना है। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग काट के जो ये हिस्सा छिले थे, एक्सक्यूज मी, इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से, इसको साइड में रखते हैं। तो ये हम लोग इससे एक टुकड़ा काट के निकाले थे, तो इसी को ही हम लोगों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप इसको लगा दीजिए और घुमा के इसको अलग कर दीजिए। ये ऐसा हो गया, ये इसको ऐसे घुमाइए, समान हो गया। फिर ऐसे ही हर एक को करना है हम लोगों को। तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा खींचना है, ऐसा खींचना है, ऐसा, और ये ऐसा खींचना है। फिर ये जो अंदर जो सेपरेटर है, ये तो इसको अभी हम काट देंगे। काट दिए, अभी इसको आप खींच लीजिए, समान कर लीजिए। फिर क्या करना है, इन सभी को देखिए, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड है इसी में, अभी तक है थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड। तो अभी एक ही साथ इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे, ये हाथ से इसको दबा के रखना है, और ऐसा खींचना है, फिर और दबा के ऐसा खींचना है, थोड़ा थोड़ा करके उंगली, ये उंगली आपका ऊपर के तरफ जाएगा। देखिए अभी मोटा मोटी समान हो गया है ये, ठीक है। तो अभी इसको आप थोड़ा अंदर प्रेस कर दीजिए, ऐसे ऐसे आप थोड़ा अंदर प्रेस कर दीजिए इसी को, ताकि जो हिस्सा आप खींच के निकाले थे वो हिस्सा अंदर चला जाए। तो अभी इसको थोड़ा इधर उधर घुमा लीजिए,
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कनेक्टर लगाने के लिए इसका कुछ सीक्वेंस है, केबल को ये जो अंदर में जो वायर है वायर का कुछ सीक्वेंस मेंटेन करके हम लोगों को ये करना पड़ता है। बहुत ही इजी है, मतलब एक दो अगर कर लेंगे तो इसी में जानकारी आ जाएगा आपको कि कैसे करना है। पहले से हम लोगों को क्या शुरू करना है, ये ऑरेंज वाइट को पहले लेना है। तो हम लोग ये जो अभी कर रहे हैं ये इसको बोला जाता है कि T568B। ओके, तो T568B में क्या होता है, इसमें हम लोग जो केबल लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इसको अभी सेट करना है हम लोगों को। तो ऑरेंज वाइट ये हो गया, ये ऑरेंज वाइट है, फिर इसके बाद ऑरेंज, फिर क्या करना है, ये ग्रीन वाइट को लेना है इसके बगल में। तो आप देख लीजिए कि ये अंदर ट्विस्टेड ना हो, तो थोड़ा ये मेरा ट्विस्टेड नहीं है, तो इसको अब इसके साइड में रख दीजिए। ये हो गया ऑरेंज वाइट और ग्रीन वाइट। फिर क्या करना है, ब्लू और ब्लू वाइट, इसको उल्टा सीक्वेंस में लगाना है। हम लोग क्या है कि वाइट ऑरेंज वाइट और ऑरेंज को जिस सीक्वेंस में रखे हैं तो उसके उल्टा सीक्वेंस में रखना है ये ब्लू और ब्लू वाइट को। इसके बीच में क्या जाएगा, ये ग्रीन वाइट। तो फिर अभी इसके साथ ग्रीन को लगा देते हैं, फिर ग्रे वाइट। अभी देख लेते हैं कि नहीं, ये ट्विस्टेड नहीं है, ठीक है, ग्रे वाइट हो गया। ये हम लोगों का एक सीक्वेंस। तो अभी फिर से वही काम हमें दोहराना है कि एक जगह करने के लिए केबल को, ताकि एक साथ बराबर हो। ये हो गया। अगर आप पहले इसको किए नहीं हैं तो पहले एक दो करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि चार पांच तो कर लेने के बाद ना आपके हाथ में एक स्पीड आ जाएगा। मोटा मोटी आप तीन से चार मिनट के अंदर आप इसको, मतलब टोटल केबल छीलने से शुरू करके आप ये क्लिपिंग तक ये पूरा आप करके दे सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सीक्वेंस, ये ऑरेंज ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट ग्रीन, ग्रे वाइट, इसके बाद हो गया ग्रे, ठीक है। तो अभी इसको फिर थोड़ा इधर उधर समान कर लेते हैं। समान जब करेंगे इसको दबा के रख के कीजिएगा, नहीं तो केबल इधर उधर भाग जाएगा। और फिर थोड़ा दबा दीजिए आप, हो गया। तो अभी इसको क्या है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा लिए थे, तो थोड़ा जितना ज़्यादा है बस ये जो उंगली है आप लोगों का, ये उंगली बराबर इसको रखिए। रखने के बाद ये वायर कटर से एकदम समान करके इसको काट लीजिए। तो ये आपका केबल निकल के आ गया इतना तक। तो फिर देखिए, अभी थोड़ा बहुत इधर उधर करने पे ये थोड़ा टेढ़ा होगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन क्या है कि इसके बाद भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्या है कि आप माप लेके काटे थे, इन केस अगर हो जाता है तो थोड़ा सा आप काट लीजिएगा यहाँ से। बस ये देखिए अभी समान हो गया है ये। तो अभी ये क्लिप हम लोगों को लेना है, RJ45 कनेक्टर। तो इसका ये साइड एक है और ये साइड एक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये साइड लेना है, ये साइड लेके आपको अच्छे से, ताकि अंदर जाते समय केबल उल्टा पलटा ना हो जाए, हाथ से इधर पकड़ लीजिए, फिर ऐसे इसको अंदर कर दीजिए। अंदर जाने के टाइम में आपको देख लेना पड़ेगा कि ये सही में जा रहा है कि नहीं, सीक्वेंस सही में जा रहा है कि नहीं। तो आप इसको अंदर कर दीजिए, ऐसे लीजिए और इसको थोड़ा
दबा दीजिए, ऐसे ऐसे करके दबाते रहिए इसको। तो देखेंगे आप कि लोग देख सकते हैं कि नहीं। ये पोर्शन पूरा अंदर तक चला जाएगा, इधर से दिखाई देगा केवल। फिर आप इधर से भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो है, ये आपका केबल, ये जो कनेक्टर का अभी पिन है, पिन से थोड़ा आगे तक चला गया है। तो सभी केबल को आपको देखना है कि पिन के आगे के तरफ तक चला गया है कि नहीं। आप इस साइड से भी एक बार देख लीजिए, ये भी सेम है। हाँ, ये भी सेम है, ये भी आपका अंदर तक चला गया है। तो अभी इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, फिर ये क्लिप लेना है, क्लिपर लेना है। तो आप क्लिपर में ये जो है इसको ऐसे ऐसे करके इसको अंदर तक लगा देना है। और देखना है कि इधर भी एक नॉच है, तो केबल को टाइट रखने के लिए इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये यहाँ तक इसको आपको लेके आना है। और पिछले साइड पे भी देखना है कि केबल बाहर ना निकल जाए। तो ऐसे आप दबा दिए इसको, दबा के रख के फिर क्लिप को आप दबा दीजिए। एक बार हो गया दबा दिए, फिर दो तीन बार ऐसा करके आप इसको दबाते रहिए। तो हम लोगों का ये क्लिपिंग हो गया। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं क्लिपिंग। तो इधर आपको देखना है कि ये जो दांत है, दांत थोड़ा ना निकल के आ जाए। तो हम लोगों का ये पूरा हुआ नहीं था, क्या है कि मेरा क्लिपर बहुत यूज़ हुआ है इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। तो इधर उधर करने पे अभी ये पूरा ले लेता है। हाँ, अभी देख सकते हैं आप लोग कि ये जो अभी देखिए आप लोग के क्लिपर का ये हिस्सा, ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा केबल को चीर के अंदर तक चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही हुआ है। और इधर भी ये जो नॉच है, ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। दो जो ऐसा होल वाला है, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आप दूसरे साइड से भी, इधर से भी आप इसको देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका जो हिस्सा है, ये जो पिन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये केबल को थोड़ा, केबल का जो पीवीसी वाला हिस्सा है, इसको चीर के अंदर तक चला जाएगा। थोड़ा बहुत जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों को क्या है कि अभी इसको टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके एक केबल टेस्टर आता है, वो केबल टेस्टर आपको ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से। इनिशियली ये केबल टेस्टर चाहिए, क्या है कि हम लोग पहली बार जब करेंगे तो सही हो रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है, इसको सही में चेक करना है। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोगों का इधर जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में 160 पीस इंटू दो, बोले तो 320 पीस कनेक्टर लगाना है, तो इसमें हम लोग कोई खामी नहीं रखना चाहते। इसीलिए ऐसा ही मार्केट में ये 200-250 रुपये में मिल जाएगा ऐसा वाला। तो इसका आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ख़रीद लेंगे तो बहुत दिन चला जाएगा। तो ये है इसका, सॉरी, ये है, तो ये वाला लोकल पोर्शन है और ये वाला आपका रिमोट पोर्शन है। इसको एक टर्मिनल में लगाना है और इसको दूसरे टर्मिनल में। तो
तो लगा के देखना है कि सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ तक जाएगा। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोगों का नहीं है, ग्राउंड ज़्यादातर आपका CAT7 केबल में लगा हुआ रहता है, तो हम लोगों का ये CAT7 केबल नहीं है, तो ये ब्लिंक नहीं करेगा इसी में। फिर इसमें भी अगर सीक्वेंस आपका सही है तो 1, 1, 1, 1 जलेगा, 2, 2 जलेगा, 3, 3 जलेगा, ऐसा करके 8, 8 तक जलेगा ये। इन केस अगर मान लीजिए कि आपका 1, 1 जला, 2, 2 जला, फिर जाके क्या हुआ कि आपका इधर 3 जल रहा है और इधर 7 जल रहा है, तो इसी में आप पकड़ सकते हैं कि आपका ये क्लिपिंग सही नहीं हुआ है। मतलब तीन पे तीन कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन 3 पे 7 कनेक्ट हो गया है। मतलब इस साइड का या इस साइड का, किसी एक साइड का ये गड़बड़ी है। क्या है कि ये आपका एक सीक्वेंस में पल्स देता रहेगा, तो उसी के हिसाब से इसी को मैचिंग होना चाहिए। आप इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ये सही में पल्स देगा। लेकिन क्या होगा कि इसका पल्स इससे मिलना चाहिए, ये आपका वाइटल पोर्शन है, ये रिमोट वाला। तो यहाँ पे सीक्वेंस सेम सीक्वेंस होना चाहिए इसी का। तो ठीक है, हम लोग जो अभी किए हैं तो इसी को अभी देख ले हैं कि सही में काम कर रहा है कि नहीं ये। तो हम ये रिमोट वाला पोर्शन लगा लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रिमोट है, कौन सा नहीं है हम लोगों का। तो इसको हमने, ये हम लोगों का रिमोट वाला पोर्शन है, तो ये रिमोट में हम लोग लगा दिए, मतलब दूसरे साइड का जो है केबल का उसी में लगा दिए। अभी देखिए कि हम लोग इसका ब्लिंकर ऑन हुआ है, तो हम लोग इसको अभी टेस्ट करेंगे। तो ये इसको लगा दिए अभी जो हम लोग कनेक्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 तक ऐसा ब्लिंक हो रहा है, ठीक है।